तो उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके मद्देनजर मतदान से 48 घंटे पहले चुनावी प्रचार प्रसार थम गया है। इसके तहत ही राजधानी देहरादून में चुनावी प्रचार खत्म होते ही शराब की दुकानें बंद हो गई हैं और मतदान से 48 घंटे पहले ड्राई डे लागू हो गया है। बता दें कि बुधवार को ठीक 5 बजे तमाम शराब की दुकानें बंद हो गई हैं। इसके साथ ही प्रदेश की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट।